होली है भाई, होली है। अरे भैया पुराने हो गया। कोई बात नहीं, होली तो है। वो आज नहीं है। आज नहीं है? नहीं तो कोई बात नहीं, होली की फोटो एडिट कर लेते हैं। वैसे भी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज डीएम्स आते रहते हैं यार, होली की एडिटिंग क्यों नहीं आई अभी तक। और इसीलिए आज की इस वीडियो में करने वाले होली स्पेशल फोटो मैनिपुलेशन। वैसे हाँ, अगर आप लोग फोटो एडिटिंग वाले नहीं हो एंड आप लोग देखना चाहते हो होली का स्पेशल फोटोशूट व्लॉग जिसमें कि मस्ती भी हो फोटोशूट भी हो, तो कमेंट करके बताओ, आपके लिए मैं फोटोशूट का व्लॉग जरूर से बनाऊंगा। पहले ही बता दूं, ये वाली एडिटिंग बहुत ही आसान होने वाली है। आपको जस्ट अपनी एक फोटो क्लिक करनी है घर पे कहीं पे भी किसी भी डिवाइस से, फोन से, कैमरा से, और बहुत ही सिंपल से स्टेप्स में फोन के अंदर अपनी फोटो को हम होली के लिए स्पेशली एडिट कर लेंगे और फोटो बहुत ही कमाल होने वाली है। एक बार आप देख लो यार, फोटो देख लो पहले। इस टाइप की एडिटिंग आज हम कुछ करने वाले हैं अपनी एक सिंपल सी फोटो से एंड बहुत ही आसान तरीके से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एडिटिंग से पहले आती है फोटो क्लिक की बात, वो भी जान लेते हैं फोटो आपको कैसे क्लिक करनी है। आपको कोई भी प्लेन व्हाइट कपड़े पहन लेने हैं। मैंने एक व्हाइट जींस पहन ली थी एंड ऊपर से व्हाइट शर्ट। वैसे जींस का इतना काम था नहीं लेकिन फिर मैंने पहन ली थी। रैंडमली मैंने कुछ पोज किया, मैंने हाथ में एक गमछा भी ले लिया था। फोटो हमारी काफी अच्छी आ गई थी दो तीन। इनमें से एक फोटो मैंने फाइनली सेलेक्ट किया एंड उसको एडिट करके हमने ऐसा बना लिया। तो अब सपोज करते हैं आपकी फोटो ऐसी आ गई है, फोन से आपने ऐसी फोटो क्लिक कर लिया, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है, तो फोन से क्लिक करो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लेते हैं फोटो आपने क्लिक कर लिया, अब एडिटिंग कैसे करनी है वो जान लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पिक्सआर्ट मोबाइल से। तो गाइज यहाँ पे पिक्सआर्ट के अंदर मेरी ये फोटो आ चुकी है। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपनी सिंपल सी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है। अब बैकग्राउंड रिमूव करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन सबसे परफेक्ट जो तरीका है बैकग्राउंड रिमूव करने का वो है ये। जस्ट आपको जाना है यहाँ से ड्रॉ टूल के अंदर एंड यहाँ पे आपको अपनी लेयर को सिलेक्ट करना है। तो ये रही लेयर्स, ये रही हमने लेयर को सिलेक्ट कर लिया। अब जाना है इरेजर पे एंड आपको इसका ब्रश की सेटिंग जो है थोड़ी कम ज्यादा कर लेनी है। मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ाता हूँ और हार्डनेस आपको रखनी है अराउंड 95 के आसपास, ओपेसिटी फुल एंड साइज को अपने हिसाब से रखने के बाद आपको फोटो को जूम कर लेना है और जस्ट आपको ऐसे पेंट करना है बैकग्राउंड पे, तो ये बैकग्राउंड आपका रिमूव हो जाएगा। अब बैकग्राउंड आपको अच्छे से रिमूव करना है ताकि आपकी पूरी फोटो बिल्कुल परफेक्ट एडिट हो सके एंड बैकग्राउंड रिमूव करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपको समझ आ चुका कैसे करना है। मैंने यहाँ अपनी फोटो का बैकग्राउंड पहले रिमूव करके रखा हुआ है, तो जस्ट उसको यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो ये मेरी फोटो यहाँ पे आ चुकी है जिसमें बैकग्राउंड पहले से रिमूव कर रखा है मैंने। अब यहाँ पे एक एक करके एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जस्ट आपको लेयर्स पे आना है एंड यहाँ से मैं चूज करूंगा ये खाली लेयर एंड इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ से फोटो। तो ये रहा हमारा बैकग्राउंड जो हम यूज करने वाले हैं, इसको इंपोर्ट करना है एंड इसकी पोजीशन चेंज करनी अपनी फोटो के हिसाब से। तो मैं इसको रखूंगा पूरी फोटो फिट कर देंगे इसको एंड डन। ये हमारी पूरी फोटो पे फिट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड तो लग चुका है लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे ऐड करते हैं यहाँ से फोटो लेयर एंड सबसे पहले आपको ये कलर की एक पीएनजी लेनी है, इसको यहाँ पे टिक करते हैं एंड इसको ऊपर से रख देना है। तो देखिए आपकी फोटो में मस्त ऐसे कलर फिल हो जाएंगे। ये वाली पीएनजी मैंने अपनी फोटो के हिसाब से बनाई है, आप इसकी जो है पोजीशन चेंज कर सकते हैं थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको रखनी हो। जैसे मेरे कपड़े यहाँ पे ये ऐसे आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे इसको पेंट किया हुआ है ताकि फोटो मतलब ऐसे बैकग्राउंड से मर्ज हो जाए। तो देखिए जस्ट एक इस पीएनजी से पूरी फोटो में हमारे कलर्स आ चुके हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। बेसिकली आपको कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल तरीके से। आपको रखना कि ये सारे कलर्स आपके फेस के ऊपर थोड़े बहुत आ जाएं, जैसे यहाँ पे बालों के ऊपर आ रहे हैं, यहाँ से हमारे हाथ के ऊपर कलर आ चुके हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको ऊपर की तरफ से रख देनी है। तो ये हमारा हो चुका है, इसका दोबारा चलते हैं इंपोर्ट करते हैं एक दूसरी लेयर फोटो लेयर एंड अब हम अपने फेस पे कलर लगाएंगे फेस पे कपड़ों पे। तो उसके लिए एक ये वाली लेयर है, इसको भी इंपोर्ट करते हैं एंड देखिए ये यहाँ पे आ चुकी है। अब इसकी आपको पोजीशन चेंज करनी अपने हिसाब से। तो यहाँ पे हम चलेंगे ट्रांसफॉर्म एंड देखते हैं ये वाले कलर हमें कहाँ पे रखने। तो ये ऊपर वाले कलर आपके फेस पे आने चाहिए, इसको हम यहाँ पे रखते हैं ऐसे एंड डन। अब इसका आपको ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है क्योंकि ये आपको कपड़ों पे रखना है एंड फेस पे। इसका ब्लेंडिंग मोड आपको रखना है यहाँ से ओवरले, ओवरले रखते हैं एंड इसका थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर देना है। सो देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कपड़ों पे थोड़ा सा पेंट गिरा हुआ या कलर गिरा हुआ है और फेस पे भी थोड़े बहुत कलर आ रहे हैं जो कि बहुत सही लग रहे हैं। ये हो चुका है, आप इस लेयर की एक डबल कॉपी बना सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा और फेस पे कलर रखना हो। तो मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ एक बार, यहाँ पे चलते हैं एंड कॉपी। तो देखिए कलर्स थोड़े से और ज़्यादा हो चुके हैं तो सही लग रहा है ये, इसको इतने रखेंगे। इसके बाद फाइनली यहाँ पे एक कलर पाउडर उड़ाएंगे हम, क्योंकि ये वाले कलर थोड़े से नकली से लग रहे हैं, मतलब ऐसे जस्ट यहाँ पे एक स्मोक लग रहा है लेकिन कलर में एक्चुअली क्या होता है कि पाउडर भी होता है। तो हम वापस चलेंगे इंपोर्ट करेंगे एक दूसरी लेयर एंड ये कलर पाउडर वाली लेयर आपको मिल जाएगी। यहाँ पे कलर के ऐसे पार्टिकल्स दिख रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए कलर ऐसे गिरता हुआ दिख रहा है एक पार्टिकल, तो ये आपको ऊपर से लगा देना है एंड सी आपको यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली हो जाएगा। इसको हम ट्रांसफॉर्म भी कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर लेयर को एंड इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इस तरफ से रखेंगे इसको एंड सी हल्का सा ये फेस पे इफेक्ट आ रहा है जो कि बहुत सही लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमारे शर्ट के पास बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कोई भी कलर का एक पीएनजी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट करेंगे यहाँ से एक और लेयर जिस पे आपको कलर बढ़िया लग रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ एंड इसका जस्ट हम ये कलर वाला पार्ट रखेंगे, ये डन एंड इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब तो इसको मैं जस्ट यहाँ पे रख रहा हूँ शर्ट के पास एंड डन। और इसका जो यहाँ से नीचे का पार्ट है इसको हम इरेज कर देंगे, इरेजर की हम जो है हार्डनेस थोड़ी सी कम कर लेंगे, साइज़ बढ़ा देंगे एंड यहाँ से इरेज। तो देखिए जहाँ पे भी आपको लगेगा आपकी फोटो बैकग्राउंड से मैच नहीं हो रही वहाँ पे आपको जस्ट एक कलर का पेंज लगा देना है, आपकी फोटो बिल्कुल परफेक्टली मैच हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमारी फोटो हमने कंपोजिशन तो कर दिया लेकिन अब चलते हैं इसमें कलर ग्रेडिंग करते हैं एंड उसके लिए चलेंगे लाइट रूम ऐप के अंदर। तो जस्ट इस फोटो यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं एंड सेव इमेज कर देता हूँ मैं एंड ये फोटो हमारी सेव हो चुकी है गैलरी में। अब चलते हैं लाइट रूम के अंदर। अब लाइट रूम में आने के बाद फोटो में सबसे पहले हम यहाँ से ऑटो पे क्लिक करेंगे एंड ऑटोमेटिकली कलर को एडजस्ट कर लेगा। अब हमें कलर ग्रेडिंग करनी है तो कलर्स में चलते हैं एंड इसके हम वाइब्रेंस बढ़ाते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर में कम करूँगा एंड मिक्सर में चलते हैं स्किन का कलर जो है ऑरेंज, इसका हम थोड़ा सा लुमिनेंस बढ़ाते हैं।
बिल्कुल हल्का सा। और जो ग्रीन कलर है इसका हम ह्यू थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, तो जैसा आपको रखना आप वैसे रखते हैं। यहाँ पे कलर्स का बहुत ज़्यादा खेल है, आप जो मर्जी कलर जैसे मर्जी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे आप पूरे कपड़ों का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको हल्का सा नहीं छेड़ूंगा, इतना ही रखते हैं इसको, डन। अब एक बार आएंगे यहाँ से इसके अंदर एंड यहाँ से कवर पे चलते हैं, वाइट कवर पे चलेंगे एंड यहाँ से मैं इसमें एक फेडेड इफेक्ट देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं, तीन पॉइंट्स बनाते हैं और जस्ट हम शेडोज कैसे उठा देंगे। तो देखिए बहुत ही मस्त यहाँ पे फेडेड इफेक्ट आ रहा है, जो कि बहुत सही लग रहा है। एंड यहाँ से चलते हैं सेलेक्टिव के अंदर, यहाँ से हम एक राउंड लेते हैं फेस के अराउंड बनाने के लिए, क्योंकि फेस थोड़ा सा डर लग रहा है इतने सारे कलर्स के बीच में ना, फेस हमारा बिल्कुल गुम सा हो गया। ठीक है, यहाँ पे चलेंगे एंड इसका एक्सपोज बढ़ा देंगे, बिल्कुल हल्का सा बढ़ाएंगे, डन। अब चलते हैं यहाँ से आगे एंड इसकी थोड़ी सी जो है क्लैरिटी बढ़ाते हैं, टेक्स्चर भी थोड़ा बढ़ाते हैं और विनियट करते हैं थोड़ा सा कम। इसके बाद हम वापस आते हैं कलर्स के अंदर एंड ग्रेडिंग में चलते हैं, यहाँ से हाईलाइट पे एक कलर चूज़ करेंगे, तो सैचुरेशन बढ़ाते हैं पहले एंड यहाँ से हम येलो कलर चूज़ करेंगे, डन। एंड एक बार वापस कर्व में चलेंगे, जो ब्लू कर्व है इसके हाईलाइट में हम येलो डालेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं एंड देखिए डन। तो आई थिंक हमारी फोटो यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी अच्छे से एडिट हो चुकी है, कलर ग्रेडिंग में बहुत सिंपल सी करी इसमें, लेकिन हाँ फोटो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो बहुत ही सिंपल मैंने इस फोटो को बनाया ताकि हर कोई इसको एडिट कर पाए, मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैनिपुलेशन नहीं करी, बहुत ही सिंपल सी है, लेकिन अगर किसी को भी करनी हो तो बहुत ही आसानी से कोई भी कर सकता है। ये फोटो हमारी यहाँ पे परफेक्टली एडिट हो चुकी है, अब जस्ट इसको यहाँ से शेयर करना है एंड सेव टू डिवाइस एंड आपकी फोटो गैलरी में सेव। अब ये सारे बैकग्राउंड्स एंड पीएनजीज जो मैंने यूज़ किए हैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाओ चेकआउट करो, फ्री में डाउनलोड करो, अपनी फोटो को सेम ऐसे एडिट करो एंड आई होप आपको ये काफी अच्छी लगी होगी। बाय द वे इन सभी फोटोज एंड पीएनजीज का यूज़ करके आप भी अपनी फोटो को सेम एडिट कर सकते हैं एंड मैं अपनी फोटो भी प्रैक्टिस कर यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, उस पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर आपकी फोटो अच्छे से एडिट हो जाए तो मुझे टैग जरूर से करना इंस्टाग्राम पे एंड मुझे फॉलो भी कर लेना। एंड हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस साल बिग होली स्पेशल फोटोशूट का व्लॉग बनाऊँ तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। पिछले साल का व्लॉग नहीं देखा गया आपने, क्या कर रहे हो यार, ये देखो जल्दी देखो भाई इसको।